नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी के द्वारा एकेडमी के संस्थापक राजकुमार यादव को श्रीफल भेंट कर धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी के संयुक्त सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी मदन महल प्रेमनगर कालीबाड़ी में समस्त प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों ने अकेडमी के संस्थापक राजकुमार यादव का तिलक वंदन करते हुए मुख मिष्ठान कर श्रीफल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर मानव क्रीड़ा एवं कला अकेडमी के समस्त पदाधिकारी, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय विरचित राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जी बताइए, आज आप लोग इस प्रशिक्षण केंद्र स्थल पे आज आप लोगों ने क्या मनाया? आज गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर मानव क्रीड़ा एवं कला अकेडमी के द्वारा, इनकी सभी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर सभी ब्रांचेस के सभी प्रशिक्षक उपस्थित हुए। साथ ही यहाँ पर मदन महल कालीवाड़ी प्रेमनगर के क्लब के सभी खिलाड़ी उपस्थित रहे, जहाँ पर हमने हमारी अकेडमी के संस्थापक श्री राजकुमार यादव जी का आज पूजा अर्चन कर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। क्योंकि जैसे कि हमारे भारत देश में प्रथा है, गुरु ही सब कुछ होता है, गुरु ही हमें ज्ञात कराता है कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, सब कुछ कौन है। इसी तरह हमने आज हमारे जो प्रशिक्षक हमारे हम सभी के जो गुरु हैं राजकुमार यादव को हमने आज पूजा अर्चन कर उनका श्रीफल दे के बताइए। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वराय, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक राजकुमार यादव सर के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे और ऐसे कई शिष्य हैं उनके जिनको ऐसे मुकाम पर पहुँचाया कि आज उनका नाम बहुत है। उन्होंने सभी शिष्यों के लिए इतना समर्पण योगदान दिया है कि जिसका वर्णन करना असमर्थ है। इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं और जो भी मुझे देख रहे हैं, हमारे भारत देश में ये प्रथा हमेशा मनाई जानी चाहिए। गुरु का ऐसे सम्मान किया जाना चाहिए जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा थी, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में फॉलो करना चाहिए। भारत ऐसा देश है जहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिन हमें सारे गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु ही एक गुरु जो रहता है ना, वो हमारे जीवन में बहुत सफल आगे ले जाने के लिए बहुत लाभदार, बहुत उसकी गुरु की बहुत ज़रूरत होती है अपने जीवन में, ताकि वो हमें आगे बढ़ता हुआ देख सके और सही और गलत का रास्ता दिखाए, ताकि हम एक ऊँचे पद पे जाके पहुँच सके। आज आपने क्या किया है? आज हमने हमारे गुरु की पूजा की है। अरे ये सब का कर रहे हैं।